नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए एक नई अपडेट लेके आ रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 के अंतिम रूप से चयनित पात्र एवं अविस्थापित किए गए कुल 6662 और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 6501 व अनुसूचित क्षेत्र के 181 अभ्यर्थियों से विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु जिला आवंटन हेतु प्राथमिकता विकल्प ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अतः संलग्न सूची में अंकित 6682 और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 6501 अनुसूचित क्षेत्र के 181 जिला अभ्यर्थी अपने जिला आवंटन हेतु प्राथमिकता विकल्प विभागीय लिंक जो कि राजस्थान राजशाला दर्पण .nic.in स्टाफ विंडो और स्टाफ सिलेक्शन पर जाकर के दिनांक 15/3/2023, दोस्तों ये 15 तारीख से स्टार्ट होगा है, 15 मार्च 2023 से 4:30 बजे से और दिनांक 22/3/2023 तक 6 बजे तक आप अपने विकल्प भर सकते हैं। अगर आप ये विकल्प नहीं भरते तो इसके पश्चात ये लिंक स्वतः बंद हो जाएगा। और दोस्तों इस जगह आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपना विकल्प नहीं भरते तो विभाग आपको अपनी मर्जी से जिला आवंटन के लिए स्वतंत्र होगा। तो यदि किसी विद्यार्थियों को यहाँ ऐसा करते हुए ओटीपी नहीं आती, अगर किसी विद्यार्थी को ओटीपी संबंधित कोई समस्या आ रही है तो वो अपना नया नंबर जुड़वाना चाहता है, तो उसके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम से इस संबंध में प्रार्थना पत्र अपने हस्ताक्षर किए हूँ आधार कार्ड की छाया प्रति लगा करके, और seniorteacher.scceduu@gmail.com पे बिना समय गवाए अपना मेल सेंड करें ताकि उसका समय पर ये नंबर जोड़ा जा सके और अंतिम तारीख से पहले पहले वो अपना इसको कर सके। इसी के साथ साथ एक ऐसे विद्यार्थी कंप्यूटर निदेशक के जो कि कुछ अंकों से या कुछ पॉइंटों से रह गए थे, उनके लिए भी एक अपडेट ये है कि सरकार ने उनको शिथिलता न देने का जो निर्णय लगता है, ऐसा निर्णय को सामने आ रहा है, तो उनके लिए एक अलग से वैकेंसी जो शेष रहे पद और कुछ नए पद सृजित करके तो विद्यार्थियों को लगभग 8,000 के करीब कंप्यूटर निदेशक की जो भर्ती है वो दोबारा देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।